हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज की इस वीडियो में हम नीट एंड जेई के रिगार्डिंग जो एक रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी उसकी हियरिंग आज है, तो उससे रिलेटेड टोटल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड। और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपकी एक और रिव्यू पेटिशन, एक और फ्रेश पेटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है रिगार्डिंग नीट टू जेई, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। किसने जो रिव्यू पिटीशन है वो फाइल की है और उसकी हियरिंग डेट भी आ चुकी है, टेंटेटिव डेट है, तो उसकी डेट जो है वो क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज ही की हियरिंग के बारे में। तो आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, अपना जो केस था जिसका डायरी नंबर था 18253 उसके ऊपर हियरिंग है, और थ्री जज जो है वो थ्री बैच जज हैं इसमें जो इस पर फैसला सुनाएंगे। नंबर एक है जस्टिस अशोक भूषण, नंबर दो है ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवाई, और नंबर तीन है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर कृष्णा मुरारी। तो ये तीनों जस्टिस जो है वो आज इस पर फैसला लेंगे कि नीट जो है वो पोस्टपोन किया जाएगा या फिर नहीं। 4/9/2020 यानी कि आज ही की ये जो है वो पिटीशन फाइल की गई है। अगर इसकी डेट की बात की जाए तो जो अलग आलोक श्रीवास्तव है उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज यानी कि कल इन्होंने ट्वीट किया था, आज 1:30 पर तीन जज की जो बेंच है वो इस पर जो है वो रिव्यू पिटीशन पर अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है, साथ ही साथ पोस्टपोन नीट एंड जेई और यूजीसी फाइनल ईयर पर भी अपना फैसला जो है वो सुनाने वाली है, क्योंकि दोनों के लेकर जो है वो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है और उन्होंने नीचे लिखा है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो 1:30 या फिर उसके बाद कोई भी इस पर फैसला आता है तो उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद बात करें एक और फ्रेश पिटीशन की, तो अभी इन्होंने 40-45 पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बात की है कि अवर फ्रेश पिटीशन सिकिंग नीट पोस्टमेंट इज रजिस्टर्ड वेरीफाइड एंड लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 7/9/2020। यानी कि पहले जो पिटीशन फाइल की गई थी वो यूजीसी नीट एंड जेई तीनों को लेकर थी, लेकिन अब की बार जो इनके द्वारा आलोक श्रीवास्तव इनके और एक सीनियर है, इनके द्वारा एक और फ्रेश पिटीशन फाइल की गई है वो सिर्फ और सिर्फ नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर फाइल की गई है और इसकी जो डेट है वो टेंटेटिव डेट आई है 7 सितंबर 2020 इनकी टेंटेटिव डेट है, इस पर ये जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। और इस पिटीशन के लिए इन्होंने कोई भी जो है वो फीस जो है वो फाइन नहीं की है। ठीक है, विदाउट एनी फीस ये इस पर वर्क कर रहे हैं, और आई हैव प्रिपेयर्ड एंड फाइल इट अंडर गाइडेंस ऑफ ए रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट हु विल आल्सो अपीयर ओवर इन एज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है, ये देख दिखा सकता हूं मैं आपको, ये वो फाइल है जो पिटीशन फाइल की गई है, इसका डायरी नंबर भी अलग है, ये है 18629, ये है केशव माहेश्वरी वर्सेज जो एनटीए है उसके अलावा उसके अंदर ये फाइल की गई है, और इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है 7 सितंबर 2020, यानी कि 7 सितंबर 2020 को ये जो है वो इसकी टेंटेटिव डेट आ सकती है। और ये जो फाइल की गई थी वो 2 सितंबर 2020 को जो है वो दोपहर 12:02 पर फाइल की गई थी, और ये अभी तक पेंडिंग बता रहा है। तो यार, ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, पल पल की न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।